पते नमा अंकनीशाय नमा। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे नमांज कुंडली और शनि का गोचर। इसके अंदर जो प्रडिक्शंस की बात की जाएगी वो प्रडिक्शंस आपको प्राशर होरा शास्त्र में नहीं देखने को मिलेंगी, जो हमारे एक वैदिक तरीके से वो एक डिफरेंट टाइप की प्रडिक्शंस रहेंगी। मगर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि वो इतनी स्टीक हैं, वो ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताती हैं जो जनरली हमें किसी भी एस्ट्रोलॉजी के मेथड से वो नहीं समझ आती। इनका बेस क्या है? इनका बेस है देवा केरलम। इसके अंदर वो नवांश को राशि की तरह कंसिडर करता है। आप जानते हैं नवांश कुंडली क्या होती है? पहले आप जानें नवांश कुंडली। जैसे हमारे पास लग्न कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है, चलित कुंडली, होरा कुंडली, दशमांश कुंडली, सप्ताश कुंडली, ये सभी वर्ग कुंडलियाँ होती हैं और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होती है वो नवांश कुंडली होती है। कुंडली विश्लेषण में नवांश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नवांश कुंडली के बगैर आप कभी भी, जब तक आप इसको स्टडी नहीं करते, आपकी प्रिडिक्शन ठीक नहीं हो सकती। तो अगर आप इसको सोचेंगे सिर्फ ये पति पत्नी या शादी के बारे में नहीं है, ये हमारी हर चीज़ को जानने के बारे में है। हम ये मान सकते हैं कि जो जन्म कुंडली है वो शरीर है और नवांश कुंडली उसके शरीर का अंदर का विश्लेषण है। कई बार क्या होता है, बाहर से देखने में ठीक लगता है मगर अंदर से जब चेक करते हैं तो देखते हैं कोई कोई बीमारी है। हो सकता है आदमी बाहर से वीक नज़र आता हो मगर अंदर से काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसलिए नवांश कुंडली का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नवांश कुंडली किसी के बारे में भी अंदर से उसके बारे में बताती है। शनि के गोचर के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा हुआ है, कई किताबें आपको मिल जाती हैं जिनके अंदर शनि के गोचर के बारे में बताया जाता है। मगर हम शनि का गोचर कहाँ पे पढ़ते हैं? हम शनि का गोचर आपकी जन्म कुंडली या चंद्र कुंडली के हिसाब से देखते हैं, जिसके अंदर लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली के अनुसार उसके शनि के ट्रांजिट की बात की जाती है। अभी इसके अंदर मैं जो आपको ट्रांजिट्स की बात करूंगा वो लग्न कुंडली के बजाय नवांश कुंडली पे होगी। इसका कंसेप्ट क्या होगा? इसका कंसेप्ट ये होगा, हम कौन सा पॉइंट लेंगे। लग्न कुंडली में हमारे पास क्या रहता है? 30 डिग्री रहता है। जब उसी को हम 9 हिस्सों में फर्दर डिवाइड कर देते हैं 3 डिग्री 20 मिनट के बेस पे, तो वो आपका एक नवांश कुंडली आ जाती है। तो जो आपको ज़्यादा स्टीक रिजल्ट देखने को मिलेंगे वो नवांश कुंडली के अनुसार देखने को मिलेंगे। अभी शनि का आपने गोचर देखना है। शनि का गोचर आपने कहाँ कैस किस हिसाब से देखना है? हम 12 भावों के अनुसार जो शनि का गोचर देखेंगे। सबसे पहले हम D1 कुंडली लेंगे। D1 कुंडली के अंदर मान लीजिए आप लग्न लेते हैं या सेकेंड हाउस लेते हैं, मान लीजिए सेकेंड हाउस ले लिए। अभी सेकंड हाउस का लॉर्ड, समझे इसको, सेकंड हाउस का लॉर्ड नवांश कुंडली में किस जगह पे बैठा हुआ है, किस हाउस में बैठा हुआ है। जब शनि का ट्रांजिट उस साइन पे, यानी कि उसके लॉर्ड के ऊपर होता है, तो उसके रिजल्ट आपको बहुत स्टीक देखने को मिलेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं? आपको पता है कि नवांश में 60 डिग्री के बाद आपका 3 बार वो रोटेशन रहेगा। सो नवांश कुंडली में मान लीजिए कि कोई भी प्लेनेट सेकंड हाउस या फर्स्ट, मान लीजिए लगन में चला जाता है, तो उसके साथ उसकी ट्राइन हो जाती है 1, 5, 9, लगन, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। सो तीन घर, उन तीन घरों को देखना जरूरी है। उसके बाद उस साइन की लॉर्ड की डिग्री जिसके ऊपर शनि ट्रांजिट करेगा तो उसके क्या इफेक्ट आएंगे। सो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि D1 चार्ट से मान लीजिए मेरे को फोर्थ हाउस लेना है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड देखिए D9 चार्ट में किस में बैठा हुआ है, जिस हाउस पे बैठा हुआ है, मींस जिस साइन पे बैठा है। जब शनि का ट्रांजिट उस साइन पे आता है, उस साइन पे, उसके ट्रांजिट पे, और वो जो हाउस लॉर्ड है उसकी एग्जैक्ट डिग्री पे, उसके अनुसार शनि के ट्रांजिट का क्या असर रहेगा।
अभी इसको मैं सभी को एक एक हाउसेस के अनुसार कवर करने की कोशिश करूंगा। पहले लेते हैं शनि का जो ट्रांजिट है वो लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस यानी कि लगन, जो कि D9 में जहां बैठा है उस जगह पे लेंगे, उसके ट्राइन और उसकी एग्जैक्ट डिग्री जब साइन लॉर्ड उसके ऊपर ट्रांजिट करेगा तो उस पर क्या असर आएगा। दोस्तों इसके अंदर जो देवा केरलम है वो कहता है कि जो उसके मेटर्नल अंकल है उनको प्रॉब्लम आएगी, यानी कि जो मामा वगैरह है उनको दिक्कत आएगी, जो उसकी नानी है उसको परेशानी रहेगी, जो जातक का फादर है उसको परेशानी होगी, उसका कोई कोबोर्न भाई ब्रदर उसकी डेथ हो सकती है, चोरों से खतरा हो सकता है, कोई वेपन की वजह से इंजरी हो सकती है, और जातक के मामा या मामी या उसकी सिस्टर उसकी डेथ हो सकती है। कुंडली लेते हैं लगन के लिए, यहाँ पे कैंसर लगन है, स्वामी चंद्रमा D9 में आप देखें, थर्ड हाउस में कैप्रिकॉन साइन में है, कैप्रिकॉन साइन एक ही कैप्रिकॉन साइन देखना है आपने, सेकंड हाउस देखना है आपने, इसका 159 के ट्रायंगल के अनुसार इसका फिफ्थ हाउस आपका ये सेवन्थ हाउस है और नाइन्थ हाउस एलेवेंथ हाउस है। सो जब भी शनि जो कैप्रिकॉन साइन टॉरस और वर्गो जब भी इनके ऊपर ट्रांजिट करेगा तो जातकों को इन चीज़ों की परेशानी देखने को मिल सकती है, या जैसे कि मून 20 डिग्री पे है, जब भी शनि 20 डिग्री पे ट्रांजिट करेगा तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अभी इस केस के अंदर जातक जब शनि का ट्रांजिट चंद्रमा पे आया कैप्रिकॉन D9 पे भी, उस D9 में उसके ऊपर ट्रांजिट आया तो जातक के फादर की डेथ हो गई सेकेंड हाउस की। शनि का जब ट्रांजिट सेकेंड हाउस के लॉर्ड की जो नवांश में पोजिशन है उसके ऊपर, उसकी ट्राइन के ऊपर, या वो साइन जो कि सेकंड हाउस के लॉर्ड का नवांश के अंदर एस्पेक्टेड है या साइन लॉर्ड की डिग्री उसके ऊपर जब ट्रांजिट होता है तो क्या हो सकता है। जो जातक है वो अपनी वाइफ को मार सकता है, उसकी प्रोग्रेस के अंदर रुकावटें आती हैं, जो वाइफ की पेटर्नल फैमिली है उनके अंदर डेथ होने के चांस रहते हैं, लॉस ऑफ प्रोफेशन, वाइफ के हेल्थ इश्यूज और लाइफ की जो वाइफ की परेशानियां हैं वो बढ़ सकती हैं। जब शनि ट्रांजिट करता है नवांश पोजीशन में लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस, उसका ट्राइन या वो साइन जो कि थर्ड लॉर्ड से एस्पेक्ट है नवांश के अंदर, यह वो एग्जैक्ट डिग्री जो साइन लॉर्ड की है उस पीरियड के अंदर शनि के गोचर की वजह से कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई ऑपरेशन हो सकता है, कर्जे बढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी के इश्यूज हो सकते हैं, वसीयत का इशू हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, और जातक उस पीरियड में काफ़ी ज़्यादा वेट गेन करता है। देवता जब ट्रांजिट करते हैं नवांश पोजिशन जो कि फोर्थ लॉर्ड की है या उसकी ट्राइन या वो साइन जो फोर्थ लॉर्ड से एस्पेक्टेड है नवांश के अंदर या फोर्थ लॉर्ड की डिग्री के ऊपर, तो फादर की हेल्थ को नुकसान होता है, मदर को परेशानी होती है। वो परेशानी की वजह क्या हो सकती है, फादर की हेल्थ खराब होगी तो मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, मदर को प्रॉब्लम हो सकती है, कोई जातक के जो फादर हैं उनके चाचा ताया की डेथ हो सकती है, फादर बीमार हो सकते हैं, ओवरऑल मदर और फादर दोनों के ऊपर परेशानी के बारे में ये इंडिकेट करता है। करते हैं नवांश पोजीशन फिफ्थ लॉर्ड की, उसका ट्राइन या वो साइंस जो कि फिफ्थ लॉर्ड के एस्पेक्टेड है और साइन लॉर्ड की डिग्री के ऊपर, तो इससे जो रिजल्ट होते हैं वो जातक के ब्रदर के लिए वो पीरियड ख़राब होता है,
अगर उसी पीरियड में जातक के ऊपर फिफ्थ हाउस की दशा चल रही हो तो रिजल्ट ज़्यादा खराब होते हैं। क्या हो सकता है? वाइफ की पेटर्नल फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, डेथ हो सकती है, परिवार में किसी बच्चे की हेल्थ खराब हो सकती है, डेथ हो सकती है, पेटर्नल प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, कोई जो आपका खास दोस्त है उसको सीरियस सिकनेस हो सकती है, मदर इन लॉ की इल हेल्थ या डेथ हो सकती है, और जो आपकी एल्डर को बॉर्न्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है। वही जब शनि नवांश ऑफ सिक्स लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट करते हैं, या उसकी ट्राइन, या वो साइन जो सिक्स लॉर्ड के साथ एस्पेक्टेड हो, या उस साइन लॉर्ड की डिग्री के ऊपर, तो फादर को प्रॉब्लम होती है। किसकी वजह से प्रॉब्लम होती है? उसके दोस्तों की वजह से होती है कि फादर का कोई दोस्त है वो धोखा दे गया, उसकी हेल्थ खराब हो गई, उसकी वजह से फादर को मानसिक रूप से परेशानी होगी। जातकों को घर छोड़ के दूर जाना पड़ता है, उसके ब्रदर की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, लॉस ऑफ पोजीशन, नौकरी छूट सकती है, मेंटल परेशानी हो सकती है, और जातकों को डर लगता है, मतलब एक डर का माहौल बन जाता है, और उसके किसी चाचा ताया की डेथ हो सकती है। दोस्तों वही जब शनि ट्रांजिट करता है नवांश में सेवंथ लॉर्ड की पोजीशन पे, या उसकी ट्राइन, या उस साइन जो कि सेवंथ लॉर्ड से एस्पेक्टेड है, या साइन लॉर्ड की डिग्री के ऊपर, तो उसके मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि नाना की प्रॉब्लम है, पैटर्नल ग्रैंड मदर उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, नाना या दादी। मगर उसके लिए ज़रूरी है कि सेवंथ लॉर्ड की दशा भी प्रोग्रेस में होनी चाहिए। खर्चे बढ़ जाएंगे, किसी मामा चाची उनकी डेथ या उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो सकता है। शनि नवांश पोजीशन जो कि एट्थ लॉर्ड की है उसके ऊपर ट्रांजिट करें, या उसकी ट्राइन या उसका साइन जो कि एट्थ लॉर्ड के साथ एस्पेक्टेड है, या उस डिग्री एट्थ लॉर्ड की डिग्री के ऊपर उसी साइन पर ट्रांजिट करें, तो जातक को हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, उसके फादर या एल्डर्स की अनटाइमली डेथ हो सकती है। ये पीरियड ज़्यादा अच्छा काउंट नहीं होता अगर एट्थ हाउस की लॉर्ड की दशा चल रही हो, तो एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, डेथ का खतरा बना रहता है। जातक काम काम करता है मगर थक ज़्यादा जाता है, प्रॉपर्टी का लॉस है, परिवार के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, बच्चों की वजह से दिक्कत होती है, किसी क्लोज फ्रेंड की दिक्कत हो सकती है, डेथ हो सकती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और दुश्मनों से डर बना रहता है। अगर वही नाइन्थ लॉर्ड की नवांश पोजीशन के ऊपर शनि ट्रांजिट करता है, या उसका ट्राइन, या उसी साइन लॉर्ड की डिग्री, तो जो मासी है उसकी डेथ हो सकती है, घर परिवार में झगड़े बनेंगे, आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे का लॉस होता है, और मानसिक परेशानी होती है। जब ट्रांजिट करता है नवांश पोजीशन टेंथ हाउस के लॉर्ड की, उसकी ट्राइन या उसके साइन लॉर्ड की डिग्री के ऊपर, तो नेटिव के जो फादर इन लॉ या उनके दोस्तों को दिक्कत रहती है, जो जातक के ब्रदर हैं उनके ऊपर कोई परेशानी आ गई, उसके घर में उसके बच्चे किसी की हेल्थ खराब हो सकती है, जातक के फादर इन लॉ की डेथ हो सकती है, और यह मानसिक परेशानी हो सकती है। ब्रदर या सिस्टर्स इसके अंदर परेशानी में रहते हैं, और जातक खुद भी हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है। अगर वही शनि 11th लॉर्ड के नवांश पोजीशन पर ट्रांजिट करता है, या उसके ट्राइन या उसके साइन लॉर्ड के डिग्री के ऊपर, तो ये मदर की फैमिली के अंदर परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होगी, मदर के को बॉर्न यानी कि उसके भाई बहन या डेथ हो सकती है, या फॉरेन लैंड जा सकती है, उसकी मदर उसकी अपनी हेल्थ खराब हो सकती है, और जातक जिस जगह पे रहता है वो घर टूटेगा। देखें कई बार उस घर के अंदर कहीं क्रैक फ्रैक तोड़फोड़ कुछ हो सकती है, और लैंडेड प्रॉपर्टी में झगड़ा होगा।
अगर यहीं शनि ट्रांजिट करता है नवांश पोजीशन में, ट्वेल्थ लॉर्ड की पोजीशन पे, अभी ट्वेल्थ लॉर्ड किसका है, डी वन का है, उसके नवांश लॉर्ड में या उसकी ट्राइन, तो जातक को जो प्रॉब्लम है उसकी प्रोजनी की वजह से होगी। उसके दादा, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, एग्जाम्स के अंदर फेलियर होगा, जो एल्डर सिस्टर है उसके हस्बैंड या एल्डर ब्रदर की वाइफ, भाभी या उसके जीजा, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। अब देखिए, कई बार आप देखते हैं कि किसी जातक के भाई बहन भाभी नाना नानी दादा दादी, उन रिलेशंस का डी वन कुंडली या हमारे पराशर सिस्टम के अनुसार आपको ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि उसकी वजह क्या रही होगी। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, लॉस ऑफ वेल्थ और लॉस ऑफ प्रोजनी, प्रोफेशन के अंदर दिक्कत हो सकती है, और पेटर्नल अंकल हैं जो चाचा ताया, उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। दोस्तों ये तो था जब शनि ट्रांजिट करता है। अगर वही उसी पोजीशन पे कोई बेनिफिट इफेक्ट आते हो तो रिजल्ट्स जो हैं उनकी ग्रेविटी कुछ कम हो जाती है नुकसान की। इसके अंदर आपने क्या देखना है, डी वन चार्ट देखा, उसमें जिस हाउस की हम बात करेंगे उसके लॉर्ड की नमांश में पोजीशन देखें, और उसके बाद उसका ट्राइन देख लें, या जैसे अभी मान लीजिए सेकेंड है तो सेकेंड लॉर्ड के ऊपर एक्जैक्ट किस डिग्री पे शनि ट्रांजिट करता है, तो इस टाइप के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शनि के रिजल्ट थोड़े हार्ड रहते हैं, आगे हम बात करेंगे जुपिटर की। जुपिटर के रिजल्ट ठीक रहते हैं, जुपिटर अच्छे रिजल्ट देता है, शनि जो है वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करता ही करता है। सो दोस्तों ये तो था शनि का ट्रांजिट नवांश कुंडली के अनुसार, देवा केरलम के अनुसार। आप अपने कमेंट्स क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।